हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप फास्ट एंड इजी वेब डेवलपमेंट के लिए पावरफुल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। यह HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ हम जानेंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वेब डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ होता है एंड मोस्टली सभी वेबसाइट अब बूटस्ट्रैप में ही बनाई जा रही हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये किसी भी वेब डिज़ाइनर के लिए एक इम्पॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, जिसका यूज लाइटवेट एंड मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हो तो बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी वेबसाइट जो किसी भी स्क्रीन साइज को अडॉप्ट कर सके, चाहे वो स्क्रीन साइज मोबाइल की हो, टैबलेट की हो या डेस्कटॉप की हो। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो इन तीनों ही स्क्रीन साइज को अडॉप्ट कर सके, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ट्विटर कंपनी के मार्क ओटो एंड जैकब थार्टन ने अपनी टीम के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। स्टार्टिंग में उन्होंने इसे ट्विटर ब्लूप्रिंट नाम दिया था, क्योंकि वे लोग सिर्फ ट्विटर के लिए इसका यूज करना चाहते थे। लेकिन 2011 में बूटस्ट्रैप को गिटहब पर एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के फॉर्म में रिलीज कर दिया गया। वैसे तो कई सारे फ्रेमवर्क ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप को HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया गया है। इसमें फॉर्म्स, बटन, टेबल्स, नेविगेशन, मॉडल, डाउन ड्रॉप मेन्यू, स्लाइडर, हेडर फुटर एक्सेट्रा इजीली बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप डेवलपर्स ने HTML एलिमेंट बनाए हैं, उन्हें CSS क्लासेस देकर एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके रिस्पॉन्सिव एंड स्टाइलिश बनाया है। अब बात आती है कि इसका यूज कैसे करते हैं। बूटस्ट्रैप को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो। फर्स्ट तो यह है कि आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड करना होगा। जब आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करते हो तो आपको एक zip फाइल मिलेगी। इसे अनजिप करके आपको एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें 3 फोल्डर्स होंगे। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बूटस्ट्रैप को अपने HTML में इंस्टॉल या लिंक कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड एंड होस्ट नहीं करना चाहते हो तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मेथड के थ्रू आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैक्स CDN बूटस्ट्रैप के CSS एंड जावास्क्रिप्ट के लिए CDN सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां CDN का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। बूटस्ट्रैप के फीचर की अगर हम बात करें तो ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है एंड ईजी टू यूज है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है, साथ ही डिफरेंट ब्राउजर जैसे क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा एक्सेट्रा को सपोर्ट भी करता है। बूटस्ट्रैप टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है एंड सभी वर्जन में यूजर के लिए कुछ ना कुछ न्यू फीचर ही होते हैं। 2011 में बूटस्ट्रैप के आने के बाद 2012 में इसका सेकेंड एंड थर्ड वर्जन रिलीज हुआ। उसके बाद 2014 में बूटस्ट्रैप 4 अनाउंस हुआ, जिसमें प्रीवियस से काफी ज्यादा चेंज आया था। बूटस्ट्रैप 5 अल्फा जो कि जून 2020 में ही रिलीज हुआ है, इसमें API को इम्प्रूव किया गया है, SVG आइकॉन के कस्टम सेट ऐड किए गए हैं। आई बटन में SVG पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो डला हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का यूज करना हो तो आपको HTML एंड CSS का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।